भाई लग रहा था कि दीदी चलो अब थम गई हैं, लेकिन दीदी तो फिर से एकदम से एटम बम लेके आ चुकी हैं। बोल रही हैं अब दोनों के बीच में तीसरी क्यों आ रही है। अरे दीदी काहे बोल रहे हो तीसरी क्यों आ रही है। अवसर, आपदा में अच्छे अच्छे लोग अवसर ढूंढ लेते हैं, और आपने तो आपदा खुद ही बुलाई है। आओ आपदा मतलब ए हम दो हैं अलग हो चुके हैं, हमें पहला वाला चाहिए नहीं, दूसरा वाला चाहिए नहीं, तीसरा आ जाए बीच में। तो इस प्रकार की बात है, इस प्रकार के टाइटल कह के बक्स बनी कार्टून को का बोल रही दीदी। टॉम एंड नहीं, टॉम एंड जेरी नहीं भाई, मिकी माउस, मिकी माउस। अरे दीदी का ही बताएं, कबो ओवल आउल हो जाता है तो कबो तो आपका दोस्त बताता है कि ये कार्टून। वो कहा है कि दर्शकों हमारी दीदी का एक अलग ही दुनिया है, और उस दुनिया में दीदी के आपके लिए आपके लिए आपके लिए मतलब पूरी दुनिया के लिए जो नाम है, जो करेक्टर है वो है दीदी। उनके कुछ अलग से नाम रख लेती है, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई कार्टून करेक्टर हो, और चाहे कोई ओवल आउल हो, है ना, वो दीदी की दुनिया अलग ही है। चलो कोई बात नहीं। तो दीदी ये जो तुमने आतंक मचाया है वो तुम रोकोगे नहीं। असल में दर्शकों दीदी ने आज बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है। का कहानी लेके आई हैं, तीसरा चौथा और हाँ दीदी के सिंदूर की कहानी। अरे भाई साहब, लोगों ने कहा पूछा, दीदी ने कहा जवाब दिया, मतलब अब दीदी ने आर पार करने का सोच रखा है। अरे भाई साहब, दीदी के अंदर जितना आध्यात्म है वो सारा का सारा आज डिलीवर कर देंगी, बाकी दिनों में भी डिलीवर करेंगी। मतलब इन दिनों दीदी के अंदर का ना स्पिरिचुअल वाला जो भाव है वो जाग रहा है, अध्यात्म वाले भाव जाग रहे हैं, इसी को कहते हैं अध्यात्म। वह जैसे टरु वाले, गाली गलौज वाले दीदी के फरिश्ते हैं, तो दीदी का अध्यात्म भी तो ऐसे ही होगा। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज का जो ये रंगारंग कार्यक्रम है इसमें ना दीदी ने बहुत सारे रंग दिखाए हैं। हाँ साथ में भाई बर्थडे भी था कल बग्गे का। तो बग्गे के बर्थडे पे ये स्पेशल सरप्राइज कौन दिया है, कौन कहाँ लेके आया और कौन आया, वो सारी चीज़ें आप बग्गा के वीडियो में देखिएगा, बग्गा के वीडियो में देखिएगा। बग्गा के लिए शर्ट भी लिया, बग्गा के लिए टी शर्ट भी लिया। मम्मी जी आपको लड़का हुआ है, बधाई हो बधाई है। और एक आंटी की लगातार बार बार कॉपी करना। चलो जी आज शुरू करते हैं बारी बारी से। तो जीजी ऊपर नीचे का काम करके फ्री होती हैं, और फिर जीजी कहती हैं कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट मार्केट, हम लोग जा रहे हैं मार्केट मार्केट। तो भाई हाथ में दिख जाती है अंगूठी, और एकदम से अंगूठी दिखा के दीदी कहती हैं आज मैंने ये अंगूठी पहनी है। मतलब रीजन भी क्या दिया, वही रीजन जो दीदी के दिल जिगर किडनी में से कई गुना जहर भरा पड़ा है। वैसे तो बोल देती किसी की याद में पहना है, आज वो करेक्टर नहीं निभा रही है ना, सती सावित्री वाला तेरे नाम की जो सड़क जाती है, अब फिर से कुंवारी कन्या बन गई है। उस दिन तो बड़ा चिहाड़ चिहाड़ बोल रही थी, मैं तो जरूरत पड़ेगी 16 श्रृंगार करके आऊंगी। इसके बारे में भी अभी कुछ पॉइंट मुझे मिले हैं जिसके बारे में वार्तालाप करनी है। फिलहाल उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो दीदी का कहना कि काफी काफी चीजें मेरी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूज कर लूँ ये उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। वाह दीदी वाह, कमाल है। मतलब फायदा तो बंदा उठाए ना, जब सब लोग मेरी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना उठाऊँ। फायदा फायदा नुकसान ही तो तुम्हें समझ में आता, बाकी की चीज़ें तुम्हें समझ कहाँ आती हैं। काश फायदा और नुकसान से ऊपर प्यार को रखा होता तो खैर बात ही कुछ और होती है, लेकिन कुछ गलत फहमियों का इतना ज़्यादा यह शिकार है दर्शकों। कोई मतलब लेवल, जो दीदी का लेवल उसका कोई लेवल का और छोर नहीं है, इतना ज़्यादा भाई साहब। लोग छोटी 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 बातें, मतलब ये जीजा होता है ना कि लोग छोटी बातों को बहुत बड़ी बातें बना देते हैं, घर में हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उस डायलॉग को अक्सर इनके घर परिवार में सारे लोग बोलते हैं, खासकर हमारे छोटकन्नी जीजी। खैर कोई बात नहीं, दीदी का कहना था अब हम जा रहे हैं, सारे लोग जल्दी जल्दी तैयार हों, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लाना है। मम्मी मार्केट जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलूँ, मैं भी कुछ सामान अपना ले ही आऊँगी। हाँ पति का नाम लेके तो तुमने खूब कमाया है विगत 2-3 महीनों से, तो ज़्यादा ही हो रहा है। वैसे कमाए तो लगातार तुम 2.5-3 साल से पति के नाम पे ही रही हो, तो पैसा तो है ही है बे इंतहा, खर्चा पानी करो, जाओ हर रोज मार्केट जाओ, हर दिन शॉपिंग करो।
तो भाई दीदी हमार गई थी शॉपिंग करने। अब शॉपिंग में उसने अपने लिए भी टी शर्ट लाई थी, खैर का ही बोले। टी शर्ट में एक कार्टून करेक्टर को उन्होंने क्या क्या बना दिया। अरे भैया कार्टून करेक्टर सबको पता है कौन सा है, बक्स बनी। लेकिन जिजी मिकी माउस, मिकी माउस मतलब जिजी अगर मिकी माउस यार मतलब बचपन में सबने देखा है, टॉम एंड जेरी सबने देखा है, किसको नहीं याद होगा। लेकिन दीदी का वो है कि ना उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। खैर छोड़ो मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी हमारे तैयार श्यार होके जाती है और उसके बाद वहाँ पर शिव जी के मंदिर वाला भी सीन जो हमने देखा था बग्गे के वीडियो में, तो वो तो हम सबको पता ही था कि भाई जब सारे लोग गए हैं और दीदी ने वहाँ पर दिखाया है, तो अपने वीडियो में भी थोड़ा ही दिखाई लेकिन दिखाई है कि भाई भगवान शिव ने हमें बुलाया था इसलिए हम जा रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो ऐसी हमारी प्यारी दीदी वहाँ से सब कुछ शॉपिंग करती हैं, भगवान जी ने इनको बुलाया था इसलिए गई थी, अदरवाइज़ दीदी वहाँ थोड़ी जाती। दर काम का जिक्र हुआ, नीचे मम्मी जी कर रही, कई बार मैं नीचे भी करके जाती हूँ फिर ऊपर भी करती हूँ, कई बार ऊपर नीचे रोटी सब्जी बना लेती हूँ, कई बार ऊपर बना लेती हूँ, मतलब ऊपर नीचे कहानी इनकी चलाई करती है दर्शकों। इतना सब कुछ होने के बाद हमार जिज्जी फिर से आती हैं, एक आंटी जिनके ऊपर हमार जिज्जी बिल्कुल खुन्नस खाई हैं, भाई साहब क्या एक्टिंग करती हैं। असल में अभी किसकी बात कर रही हैं हम सबको पता चल गया, वो लाइव पर एक आती हैं आंटी जी। तो भाई जिस तरीके से तुम यहाँ हंसी मजाक उड़ा रहे हो, जिस तरीके से तुम यहाँ नौटंकी ड्रामा कर सकती हो, तो सबको आपके कंटेंट पे रिएक्ट करने का अधिकार है। आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, कोई रिएक्शन करता, कोई लाइव देता है, आप कौन होती है मजाक उड़ाने वाले। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, रखो। किसी की आवाज़ का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, वाह जी वाह। बॉडी शेमिंग के अंतर्गत जैसे आप बोलते हो किसी को पतला, किसी को सिकुड़ा, तो इस प्रकार से आप आवाज़ भी नहीं मजाक उड़ा सकते हैं, किस प्रकार से। भगवान करे कहीं आपकी आवाज़ ऐसी हो जावे। अरे आंटी लगातार दिसंबर में क्यों गई, जनवरी में क्यों नहीं गई, फरवरी में तुझे कैसे याद आ गई, वो अजीब तरीके से बोलती है। अरे आंटी प्लीज़ सांस तो ले लिया करो, सांस लेके बोला करो, कहीं कुछ समस्या ना हो जावे। और आपकी जो एज है इस एज में तो आपको भगवान के भजन करने चाहिए आंटी जी। ए हेलो हेलो हेलो, सुनिए दीदी जी, आप कौन होती हैं किसी को बताने वाली कि उनको भजन करना चाहिए या उनको बात करनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। आप अपने घर में मम्मी जी को क्यों नहीं बोलती हैं, वो तो गोवा वाले बीच पे बढ़िया बैठती हैं अपना बढ़िया ऐसे वैसे पानी वानी स्विमिंग पूल के पास में, है ना। तो भाई साहब उनको आप कभी नहीं बोलते कि मम्मी कहाँ ही गोवा हुआ जा रही हूँ, कहाँ इधर उधर घूमने जा रही हूँ, हैं तुम भजन वजन करो। कभी अपनी सास को तीर्थ यात्रा पे भेजेंगी कि उनकी एज हो चुकी है तीर्थ यात्रा पे जाने वाली, उनको तीर्थ यात्रा में जाके एंजॉय करना चाहिए। आपने जो लाइव पर बोलती हैं उनकी एज आपको पता है, आप डिसाइड करेंगे कि उनको जो है भजन करने चाहिए। भजन करने की पहली बात तो कोई एज नहीं होती, हाँ वो बात है, कुछ टाइम पे इंसान अपनी सारी चीज़ों को पूर्ति करके, सारी जिम्मेदारियां निर्वाह करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा आस्था में ध्यान लगाता है। वैसे तो विगत दिनों में तुम बोल रही थी कि अब यही रास्ता मैंने चुना है, स्पिरिचुअल बनी रहूंगी, यू करूंगी वो करूंगी, आध्यात्म से जुड़ी रहूंगी, सब गवा, टाटा बाय बाय गुड बाय, आ गई बुराई के रास्ते पे, आने लगी बुराई करने। स्पिरिचुअल लोग बुराई नहीं करते हैं जिस प्रकार से तुम यहाँ पे कर रही हो, लोगों को ज्ञान दे रही हो। माता जी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको थोड़ा भक्ति भावना से जोड़िए, भजन वजन कराइए। लेकिन तो मम्मी को तो बल्ले बल्ले सावा सावा करने होता है और दूसरा कोई बोले भी ना किसी टॉपिक पे, किसी नौटंकीबाज के वीडियो पे रिएक्शन भी ना दे, कोई किसी नौटंकीबाज के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ना रखे कि कल को वो कुछ और होती है, परसों को कुछ और होती है। तो आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी आंटी जी भजन करें, कौन सी आंटी जी सांस लें। उनको जब सांस लेना होगा ले लेंगी, नहीं लेना होगा उनकी मर्जी, बिना सांस लिए बोल देंगी। आपको बड़ी समस्या हो रही है, अपनी नौटंकी ड्रामों को आप कभी नहीं आंकेंगी, नहीं देखेंगे कि आप कितनी बड़ी नौटंकीबाज हैं। पल पल आपने इस हफ्ते में कितने रंग बदले हैं, 16 श्रृंगार करके आऊँगी जरूरत पड़ेगी तो, दूसरे दिन पूरी सड़क मांग भर के आ जाती हैं, तीसरे दिन फिर से हीरोइन ही बन जाती हैं, हैं टीनेज लड़की, टीनेज गर्ल, कॉलेज गोइंग, बोलती अपने पति को कॉलेज गोइंग बन रहा है
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो कॉलेज वाला बनेगा ही। भाई आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं? क्या अच्छे से देख रेख कर रही हैं बच्चे की? वो सबको दिख रहा है, सबको पता चल रहा है। वैसे दर्शकों, इनका नौटंकी ड्रामा जो है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी वार्तालाप करनी है। किसी ने लिखा कि दीदी का सिंदूर उड़ गया एक दिन में, दीदी फिर से इंडिपेंडेंट हो गई कार्टून करेक्टर। बहुत सही। फिर काजी, हाँ होटल वाली ले गई। तो भाई दीदी का कहना है कि मेरा जो सिंदूर है होटल वाली ले गई। तो आपने जो होटल वाली की कहानी बताई थी दीदी ना, वो 6-7 अप्रैल नहीं फरवरी, 6-7 फरवरी के पास बताई थी, वैलेंटाइंस डे के बाद। तो परसों आप जो परसों नरसों सड़क बना के आई थी, तो कहाँ से होटल वाले से थोड़ा छीन के लेके आई थी हैं? और एक दिन जो यहाँ टीका टाकी हुआ था वो भी होटल वाले से फिर से कहा था 2 घंटे के लिए दे दो। नौटंकी ड्रामा करना है, मैं अपने डॉलर छाप लूँगी फिर तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि होटल वाली तो आपका जो सिंदूर है बहुत पहले ले गई आपके अनुसार। तो फिर परसों आपको नरसों आपको सिंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ? मज़ा तो तब आया जब बाकी लोगों ने भी दीदी के मज़े ले लिए। कब ले गई? आज आज फिर से होश आया। कब का ले गई? आज होश आया। वाह जी वाह, बहुत सही इन्होंने लिखा कि भाई साहब कब का ले गई, तुम्हें होश अब आ रहा है। कोई तो ले जाएगा जब तुम अपना घर खुद नहीं संभालोगी। खाली पड़ी चीज़ों पे हर कोई कब्जा जमा लेता है, चाहे वो इंसान हो तो क्या हुआ। जब बीवी घर के 3 साल तक इंसान बाहर मुंह मारता फिर रहा है। इनका कहना है कि जब 3 साल तक बीवी घर में ना हो तो इंसान बाहर मुंह मारता फिरेगा ही। लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया है। बताओ जी, अब तुम्हें शर्म आई? खुद दीदी हक 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 किया करती, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। नहीं, मेरा मानना है कि दूरी भी मैटर नहीं करती। कई बार इंसान सही टाइम का इंतज़ार करता है, वेट करता है। वो इस प्रकार की हरकतें तभी करता है, जितना मैं इन दोनों के बीच की बात को समझ पाई हूँ। जो वो टर्निंग पॉइंट था, अंकुश अग्निहोत्री के जो पैर टूटा था, उस टाइम भी जब बंदी नहीं आई, तो फिर भैया का मतलब इस शादी का? यहाँ सिर्फ आप डॉलर बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करती हैं, हरकतें करती हैं। उस टाइम आ जाती तो शायद दूसरी बंदी तो जीवन में ना आती। लेकिन कहते हैं ना कि एक टाइम आता है ना जब आपको फॉर ग्रांटेड लोग लेते रहते हैं लेते रहते हैं। एक ऐसा कोई टाइम आता है जब तुम मैटर ही नहीं करते, हमारे लिए तुम्हारा 0 वैल्यू हो जाता है। तो शायद तभी, अदरवाइज शायद अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है तो आ गए टरू वाले। तो आप सबको जवाब देना ज़रूरी है, अपने कोशिश की पता है। अंकुश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप उसको इग्नोर करें। क्यों ऐसे आप जवाब दे रही हैं? लो जी, फिर से आ गए कुछ लोग जिज्जी को यहाँ बचाने के लिए। और ये कितने रियल आईडी हैं कितनी फेक आईडी हैं सबको पता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी ये जो तुमने करी है, ये बात को समझ जाइए। और आप पागल लग रहे हो, अंकुश को बोलते हो होटल में पकड़ा गया, और आप अपना भी बता दो। लोगों ने लगातार बार बार पूछ लो, बता देगी। पहली बात तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर करनी नहीं चाहिए, जो कि जिज्जी ने फिर से शुरुआत करी है, गलत करा है। लेकिन अब ये पूरी तरह से नीचता पे उतर रही हैं, और नीचता इससे ज़्यादा का ही होगी भाई। लगातार बार बार वही सारी हरकतें, लगातार वही सारी चीज़ों को खुदन खुदाई कर रहे हैं, होटल वाली बाहर वाली इधर वाली उधर वाली। जिज्जी को पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो जितना जितना हो सके इसकी इमेज का मैं सत्यानाश कर दूं, जितना जितना हो सके इसके नाम पे मैं डॉलर छाप लूं, इसको मैं इतना ज़्यादा जलील कर दूं इतना ज़्यादा। क्योंकि दीदी कह रही थी थैंक यू सो मच, कल वाले वीडियो में आपने जो मुझे समझा और उसके बाद मेरी सराहना की, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। दीदी जितने लोगों ने समझा उसके कई 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 गुना लोगों ने तुमको जाना है। ये वो लोग समझ रहे हैं जो अभी जुड़े हैं कुछ दिनों में, जो 2017 से आपको देख रहे हैं ना, वो जान रहे हैं आपकी चालाकी को। आपने इतनी बार जो ये रंग बदले हैं ना गिरगिट की तरह, गिरगिट भी शर्माए, इतनी बार तो वो रंग नहीं बदलता जितनी बार आपने बदले हैं। तो आप ना इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दीजिए। और नहीं बंद करेंगी दर्शकों, बस जान लीजिए कि यही इनकी सच्चाई, यही इनकी रियलिटी है। जब ये
कंचन के डीएनए तक पहुंच गई, इससे ज्यादा घटिया का हो सकता। टरू वालों को पता नहीं ये क्यों नहीं लगता कि दूसरी महिला भी महिला ही होती है, सिर्फ इनकी दीदी ही महिला नहीं होती है। टरू वालों का उस टाइम ज्ञान कहाँ चला जाता है, घास चरने चला जाता है, या फिर तुम्हारे जो नैतिकता के पाठ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंकुश अग्निहोत्री को पढ़ाने के लिए होते हैं। तुम्हारी दीदी इतना गंध बोले जा रही है, गंध के चरम सीमा पे, मतलब एक उसने बना रखा है गंध का ढेर और उसके ढेर के ऊपर बैठी है। ऐसे नहीं होते आध्यात्मिक इंसान। हाँ, एक बुद्धिजीवी इंसान देखा था और एक आज हमने अध्यात्म से जुड़ा इंसान देख लिया। स्पिरिचुअल ही मेरा अंतिम रास्ता है, इस पे जाके भगवान ने मुझे ना बहुत सही रास्ता दिखाया है। अब मुझे लगता है मैं किन चीज़ों में भटकी थी, ये मुझे पहले रास्ता क्यों नहीं दिखा। जब से मुझे ये रास्ता दिखा है तब से ना मुझे लग रहा है कि मैं बहुत क्या सोचती थी, कैसी थी मैं, काश कि मैं पहले इस रास्ते से जुड़ जाती। नौटंकी बाज आ गई ना असलियत जलनखोरी, हैं, यही है तुम्हारी सच्चाई जो विगत 3-4 हफ्तों से दिख रही है और खासकर इस हफ्ते में तो फूट फूट कर निकली है, ऐसा जैसे भाई दाना फूट जावे पके हुए। तो दीदी अब तुम्हारी नौटंकी ड्रामा खत्म कर दो। उसके बाद भाई दीदी अपना बेडशीट और शीट जो बाजार से लाई थी बिछा बिछा दिखाती है। एक और मजेदार उसमें किस्सा है, मम्मी जी को बधाई देने जाती है, मम्मी जी बधाई आपको लड़का हुआ है। छछुनरी का कह रही मम्मी जी से, ऐसा बात करते हैं माँ से, हैं, कह देते हो कि मेरे भाई के जन्म दिवस पे आपको बधाई हो, यू कौन सा बात है कि मम्मी जी बधाई हो आपको लड़का हुआ है, का ही बताए, मम्मी जी तुम्हारी सहेली हुए हैं, माँ हुए तुम्हारी, थोड़ा तमीज से पेश आया करो, नहीं मम्मी जी देहा तमाचा गलथरा हो जी लाल। खैर कौन बात नहीं, मम्मी जी थोड़ी देर बैठी, थैंक यू अंकू हुआ, और उसके बाद भाई मम्मी जी को एक सूट दिया, मम्मी जी देखो सूट आपके लिए लाए हैं आपके जन्म दिवस पे, आपके बच्चे के जन्म दिवस पे, ले तो मैं बहुत पहले आई थी लेकिन मैं अब दे रही हूँ, देखो मम्मी। मम्मी जी जोन मुंह बना था ऐसा लग रहा था मम्मी करे क्या कहाँ से लेके आए, उठा एक 2 रुपये का सूट, फिर मम्मी जी ऐसा उठा कर रख लीन, फिर कह रही देखो ना मम्मी खोल के देखो ना, अब तो आपका ही हुआ ना ये देखो। मम्मी जी देखे लेकिन फिर भी वही सड़ा सा रिएक्शन, तो कह रही मम्मी अच्छा है ना देखो कितना प्यारा है, और सावन के महीने में चटक पटक रंग पहने चाहिए, का है मम्मी जी का पूजा पाठ करे का एज नहीं है चटक पटक रंग पहनाएगी पागल कहीं की। भाई दूसरों को तो तुम बड़ा ज्ञान देती हो। तो उसी प्रकार से सबकी माँ का जीवन होता है, सबकी माँ के कुछ सपने होते हैं जो बच्चे पूरे करते हैं। आप कौन होती हैं किसी की माँ को ज्ञान देने वाली कि आप पूजा पाठ करिए, भजन करिए, सांस लीजिए। आप अपनी माँ के सपने पूरा कराना चाहती हैं, बड़कन्नी कहती है जो पापा के टाइम पे पूरे नहीं हुए वो हम सब मिलके कर रहे हैं, वेरी गुड, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी माँ कंफर्ट फील करती है, आप लोग पूरा करना चाहो करो, लेकिन मुझे गुस्सा इस चीज़ की आ रही कि आप दूसरे को क्यों बोल रही हैं कि उनका पूजा और भजन करने का टाइम है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगी, ये वो करेंगी, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, आप नहीं बताएंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप अपने मापदंड खुद स्थापित करती हैं, आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, तो वो आपके अनुसार क्यों करें, आप होती कौन है उनको जज करने वाली, उनका जितना मन होगा उतनी बार आपके नौटंकी ड्रामे पे रिएक्शन देंगी, आप कुछ भी हरकतें करती रहें वाइटी पे, कुछ भी गंध बोले, कुछ भी, भाई जिस प्रकार से आपकी कैटेगरी है उसी प्रकार से लाइव उसी प्रकार से रिएक्शन की भी कैटेगरी है, तो कृपया करके ना आप किसी पे थोप नहीं सकती हैं, समझ में आया। और ये जो आपने बोला है तीसरी अब बीच में क्यों आ रही है टाइटल में, तो इसका जवाब तुम्हें ही बहुत अच्छे से पता है कि तीसरी बीच में काहे आ रही है, हैं, और ये बहुत अच्छे से तुम जान रही हो कि तुम ही तीसरी को बीच में लेके आई हो। दर्शकों खैर चलो, मम्मी जी ने किसी तरीके से उलट पुलट के देख लिया, और उसके बाद दीदी हमारे वहाँ टी शर्ट वर्ट पहन के और बग्गे के कुछ चीज़ें थी वो दिखा रही थी इधर उधर, और उसके बाद हमारी जिज्जी चली गई। उसके बाद किसी दोस्त का नाम लेके बोल रही थी कि उसने बताया कि वो मिकी माउस नहीं है, कुछ दूसरा कार्टून करेक्टर है, उसके दोस्त को भी नाम नहीं पता था कि वो बनी कैरेक्टर है। खैर चलो कोनो बात नहीं, बस जाते जाते यही बोलेंगे दीदी सिर्फ आप ही इंडिपेंडेंट नहीं है, इस देश की सारी नारियां इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपके जैसे नहीं, मर मर्जियां करने को इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं, है ना।
चालबाजियां करने को, बदतमीजियां करने को, शातिरगिरी करने को इंडिपेंडेंट नहीं कहते। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।